Zombie Apocalypse. हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और मेरे भाई लोग आगे भी बढ़िया ही रहना। स्वागत है सभी को एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने लगे कुछ अपकमिंग इवेंट एंड अपडेट के बारे में, जो कि गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले। ऐसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होगा, मतलब यार थोड़ा सा भी आप लोगों को पता ही नहीं होगा भाई। ये सब हम लोग को देखने को मिलने वाला है हमारे गेम के अंदर। जैसे कि भाई हम लोग बात करने वाले फ्री में वॉल स्क्रीन हम लोग को एकदम पूरा कंफर्म हो चुका है भाई। कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा। और गाइस बात करने वाले कुछ पुराने बंडल रिटर्न के बारे में। कुछ पुराने ऐसे बंडल है भाई जो कि रिटर्न होने वाले अपने गरीना इंडियन सर्वर में भाई, मतलब इंडियन सर्वर में कुछ पुराने बंडल रिटर्न होने वाले, मतलब क्या ही बताएं भाई। और गाइस बात करने वाले इलेट पार डिस्काउंट को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई हम लोग को इलेट पार देखने को कैसे मिल सकता है। और मेरे भाई लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग को एक पोस्टर दिखा लेता हूँ भाई अभी से ही, ताकि आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है? यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर मिल रहे 99 डायमंड में भाई ब्रेक नेस्टर बंडल। वो हम लोगों को मिलेगा कि नहीं, क्या होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ आज की वीडियो में बता देंगे। तो भाई लोग यार वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देख लेना। और मेरे भाई लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और मेरे भाई लोग यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आप लोग को आगे ऐसे वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई लोग यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर देना। और कैसे अभी हम लोग बात करते हैं 100 डायमंड टॉप अप गिव अवे के बारे में। हमारे हर वीडियो में रहता है 100 डायमंड का गिव अवे, उसी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए भाई मैं नया रूल बना चुका हूँ। क्योंकि भाई पुराना रूल से बंदे यार बोलते थे भाई हम लोग को जीतने का चांस ज़्यादा नहीं मिलता था, इसलिए भाई मैं नया रूल बनाया हूँ। इस रूल के लिए आप लोग को करना कुछ नहीं भाई, किसी भी एक मतलब यार व्हाट्सएप में किसी भी 2-3 बंदे हो या फिर एक ग्रुप में, तो भाई पक्का शेयर कर देना है अपने फ्री फायर किसी भी एक ग्रुप में। उसी के बाद मेरे भाई लोग आप लोग को जाना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद अपना UID कमेंट कर देना है। यदि आप लोगों ने शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और कमेंट यदि आपने UID किया होगा तो भाई आप लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा 100 डायमंड। तो यार कमेंट करना मत भूलना। तो चलो भाई आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे हम लोग बात कर लेते हैं फ्री वॉल स्किन के बारे में, जो कि हम लोग को मिलने वाले FFCS के टाइम में एकदम फ्री में। इसमें पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम लोग को वॉल का स्किन मिलने वाले, लेकिन भाई पूरा कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन भाई इस बार पूरा कंफर्मेशन के साथ वीडियो लेकर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पर देख तो ऊपर भाई आप लोग को एक टोकन भी देखने को मिल रही होगी, एक लीग, मतलब समझ सकते हो यार कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ लीग निकल कर आ रही है इसी के रिलेटेड। भाई ऊपर जो आप लोग को टोकन दिख रहा है, मतलब यार टोकन आप लोग को कलेक्ट करने, शायद से आप लोग को गेम प्ले करने पे या फिर कुछ करने पे एक टोकन देखने को मिलेगा भाई, ज़्यादा टोकन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टोकन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से भाई एक टोकन देकर एक वॉल का स्किन ले सकते हो। ऐसा ही कुछ शायद से इवेंट हो सकता है। आप लोग को क्या लगता है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन भाई पूरा कंफर्म हो चुका है कि मतलब यार 98% पूरा कंफर्म हो चुका है कि टोकन हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जिसके मतलब है जिसको टोकन को एक्सचेंज करके भाई हम लोग को वॉल का स्किन एकदम फ्री में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यार आप लोग को ये मतलब यार सुनकर आप लोग को कैसे लगा कि हम लोग को फ्री में वॉल का स्किन मिलने वाला है? तो गाइस यार कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दें, ताकि मेरे को भी पता चले यार इंडियन सर्वर में फ्री का कुछ वॉल का स्किन दे रहे तो आप लोग को कैसा फील हो रहा है। अभी गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे अपकमिंग फेडरल रूल इवेंट के बारे में। मतलब गाइस यहां पर यदि देखोगे, मैं आप लोगों को पोस्टर दिखा लेता हूं भाई, बाहर के सर्वर पे एक इवेंट आ चुका है न्यू फेडरल रूल इवेंट। वहां पर भाई FFCS का बंडल देखने को मिल रहा है भाई। ये माना जा रहा है कि हमारे सर्वर पे वही फेडरल रूल इवेंट आ सकता है, लेकिन भाई यहाँ पर जो गन स्किन दिखाई जा रही है मिनी शॉटगन की, ये मतलब चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाई हमारे सर्वर पे अभी तक गन क्रेड भी नहीं आया मिनी शॉटगन की। तो भाई गन की मतलब यार गन क्रेड आया नहीं है तो कहाँ देंगे, तो भाई यार ये कंफर्म नहीं है। लेकिन भाई बंडल फेडरल रूल इवेंट पे देखने को मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। और गाइस मैं आप लोग को बता रहा था कि पुराना बंडल हम लोगों का रिटर्न होने वाला है, तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा पोस्टर भी दिखा लेता हूँ भाई। एक पोस्टर लीक है, अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो दो बंडल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी भाई, ये 2 साल पुराना बंडल है जो कि हम लोग का रिटर्न होने वाला है। मतलब कुछ FFCS के टाइम पे इस आय से रिटर्न हो सकता है, नहीं तो भाई दिसंबर होते होते भाई ये रिटर्न हो सकते हैं। इसके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा डायमंड उड़ने वाले हैं, मतलब यार समझ सकते हो 2000 से 3000 डायमंड उड़ने वाले बंदों के भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई। सर अभी हम लोग बात करते हैं इलेट पास डिस्काउंट इवेंट को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, यानी कि भाई हमारे सर्वर में कुछ अपडेट नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। हमारे सर्वर में कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आया कि भाई हमारे सर्वर में देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि भाई गरीना वालों की आप लोग को पता है भाई इंडियन सर्वर में कुछ भी नहीं देते। लेकिन भाई
आज भाई लगभग लगभग हर सर्वर में देखने को मिल चुका है, इंडियन सर्वर को छोड़ के भाई, ठीक है। और भाई एक सर्वर का मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा लेता हूँ। यहाँ पर भाई देख तो इलाइट पास के अलावा भाई कितने सारे रेयर आइटम मिल रहे हैं, कम कम डायमंड यहाँ पर पहले बता देता हूँ। इलाइट पास मिल रहा है भाई 60 डायमंड में, ओनली 60 डायमंड भाई इलाइट पास देखने को मिल रहा है। उसी के बाद मेरे भाई लोग लोकेश गेमर का बंडल मिल रहा है 150 डायमंड, मतलब कुछ भी यार। हमारे अभी जो आया था दीबा लुइस इवेंट, वहाँ पर भाई कितने कितने डायमंड उड़े थे ये बंडल के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर सिर्फ 150 डायमंड में दे रहे भाई, मतलब हद पार कर गए भाई गहने वाले। इंडियन सर्वर में कुछ नहीं देते, लेकिन भाई बाहर के सर्वर में रेयर रेयर आइटम दे रहे डिस्काउंट में भाई। अभी तक हमारे गेम में यार 50% का भी इलाइट पास डिस्काउंट आएगा तो यार बंदे बहुत सारे बंदे बाय करने वाले, लेकिन भाई अभी तक कुछ 50% का आप नहीं है भाई, यहाँ पर 90% का आप दे रहे गहने वाले। और भाई यदि यहाँ पर बात करोगे भाई देख सकते हो 100 डायमंड में ब्रेक डेंसर बंडल मिल रहा है इन लोगों को भाई, मतलब कुछ बोलो यार, कुछ जाके मतलब क्या कर सकते हैं भाई, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। और भाई यहाँ पर देखोगे नाम चेंज कार तो मिल रहा है 80 डायमंड में, इसको छोड़ो प्रोपोज वाला इमोट भाई 50 डायमंड में मिल रहा है। मैं माना भाई हर सर्वर अलग अलग होता है, अलग अलग डिमांड होता है, लेकिन भाई इलाइट पास देना तो बनता है ना भाई यार। इलाइट पास यहाँ पे 60 डायमंड में मिल रहा है, लेकिन भाई हमारे सर्वर में यदि 300 डायमंड में भी देंगे तो भाई बंदे बहुत ही ज़्यादा खरीदने वाले, लेकिन भाई 60 डायमंड भी यहाँ पर मिल रहे हैं हमारे सर्वर में, भाई 300 डायमंड भी नहीं दे रहे। लेकिन भाई आप लोग को क्या करने मैं आप लोग को बताता हूँ। गई ना फ्री फायर वाले हम लोग को इंडियन सर्वर में क्यों इतना ज़्यादा भेदभाव करते हैं, हम लोग को क्यों नहीं देते, सिंपल सा वे भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ। गहने वालों को चाहिए बिजनेस, मतलब समझ रहे हो ना, गहने वालों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पैसा वगैरह उन लोगों को ज़्यादा कमाई चाहिए होता है उन लोगों ने, उसी के वजह से भाई इलाइट पास डिस्काउंट हमारे सर्वर में अभी तक देखने को नहीं मिला। और कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग जो टॉपअप वगैरह कर लेते हैं, मतलब यार कोई भी इवेंट वगैरह आता है तो हम लोग सीधे ही टॉपअप कर लेते हैं, या फिर जाकर इवेंट को ओपन करके भाई डायमंड वेस्ट कर लेते हैं। उसी के वजह से भाई गहना को लगता है, ये लगता है कि भाई ये लोग तो डायमंड देके खरीद रहे तो हम लोग को डिस्काउंट देने की क्यों जरूरत, मतलब कुछ भी जरूरत ही नहीं है भाई डिस्काउंट की, इन लोगों को जरूरत ही नहीं है। जितने भी डायमंड उड़ाना होता है ये इंडियन वाले उड़ा देते हैं, इसलिए भाई इन लोगों को डायमंड मतलब कोई परवाह नहीं है भाई, इन लोगों को डिस्काउंट ही देना ही नहीं चाहिए। डिस्काउंट यदि देंगे तो भाई उनका लॉस हो जाएगा, ये सोचकर भाई वो लोग डिस्काउंट नहीं देते। तो भाई मैं इसी टॉपिक पे भाई एक ही बात बोलूँगा भाई, जितने बंदे हो भाई प्लीज़ या टॉपअप वगैरह करने यदि रोक दोगे, या फिर कुछ भी मतलब टॉपअप वगैरह या फिर मेंबरशिप वगैरह लेना यदि रोक दोगे तो भाई इलाइट पास हो सके तो भाई हम लोग को नेक्स्ट बार देखने को मिल सकता है। इस बार तो भाई चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो भाई अगले बार मतलब अगले महीने जरूर से देखने को मिल सकता है। यदि आप लोग मतलब सपोर्ट करते हो, यदि टॉपअप वगैरह नहीं करते हो, कोई भी इवेंट वगैरह आते हो नहीं करते हो, तो भाई हम लोग को जरूर से देखने को मिलेगा। तो गाइस यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। और भाई जाते जाते मैं आप लोग को बताता हूँ टू नाइट अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, यदि ये वीडियो 10 बजे देख रहे हो तो भाई यार जाकर चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि भाई मैं 10 बजे डाल लेता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में कि टू नाइट अपडेट क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। और गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार या फिर नए नए आए थे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ये ध्यान से करना, क्योंकि भाई यूट्यूब सबसे नशा करता रहता है, नोटिफिकेशन किसी को भेजता नहीं है, ये अच्छे से और ध्यान से कर देना। और भाई अभी तक गिव अवे पार्टिसिपेट नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को UID कमेंट करना है, तो गिव अवे में जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना। मिलते हैं गाइस किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।